कोविड के संकट के कारण अब जो परिस्थिति है इसमें कोई ऑफिशियल स्तर का अध्ययन अभी तक नहीं हुआ है, पर एक बात जरूर है कि कोविड के कारण कहीं ना कहीं उसके परिणाम हैं। एक बात आपको और ये मैं खुलासा कर दूं कि माइग्रेंट लेबर के कारण जैसे परसेप्शन होता है कि टीवी देखने के बाद ऐसा लगता है कि 100% इस देश की इंडस्ट्री पूरी माइग्रेंट लेबर के भरोसे चल रही है, ऐसा एक साधारणतः इम्प्रेशन होता है। वस्तु स्थिति ये है कि ऑन एन एवरेज 10-20% लोग कई ऐसे बाहर से आकर भी काम करते हैं, ये मैक्सिमम अप टू 20% है। दूसरा, इस 20% में से सभी 20% निकल गए अपने राज्यों में, ये भी स्थिति सच नहीं है। इसमें से कुछ प्रमाण के लोग गए हैं, कुछ रेलवे में, अभी जो जानकारी मुझे मिली कि रेलवे जाने का तय हुआ पर लोग नहीं मिले क्योंकि लोग नहीं गए। ये लोग अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपने जिले से, अपने गांव से ये इस स्टेट में आए, वो रोजगार के लिए आए, मजबूरन आए, उनको रोजगार नहीं था इसलिए आए। अब जो है इंडस्ट्री काफ़ी प्रमाण में शुरू होने की प्रक्रिया हो गई, कहीं 50%, कहीं 40% ऐसे लोग आना शुरू हुआ। और उसमें से जो कोरोना के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल है कि मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंस 1 मीटर से मेंटेन करना चाहिए, फिर अपने हाथ सैनिटाइजर धोना चाहिए, और कुछ जगह पर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में जिसके नाम भी मेरे पास हैं, उन्होंने अपने इंडस्ट्रियल एरिया में रहने की और भोजन की भी व्यवस्था मजदूरों की है। और अभी मैं 8 दिन पहले रिसाइकलिंग इंडस्ट्री जो 5 लाख करोड़ का कारोबार करती है उसने मुझे कहा कि वो लोग आना चाहते हैं। तो मैंने उनको सुझाया कि जहाँ गए हैं वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसकी परमिशन और वहाँ की फॉर्मेलिटी पूरी करके, जहाँ आना चाहते हैं वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करके आप उनके लाने की, अगर आते हैं तो लाने की व्यवस्था करिए और उसमें उसका उपयोग लीजिए। अब सरकार में, भारत सरकार ने, गृह विभाग ने, राज्य सरकार ने और उसके बाद वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऐसा लेकर सब प्रकार की बातों का क्लेरिफिकेशन दिया है और इंडस्ट्री अब शुरू भी हो रही है। मैं बहुत बार कहता हूँ कि नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू कि भाई हम ये सीखे कि कोरोना वायरस के साथ हमारा आर्ट ऑफ लिविंग विद कोरोना वायरस। तो अब धीरे धीरे इंडस्ट्री में भी हमको वही उपाय करने पड़ेंगे और मैं ये देख रहा हूँ कि पॉजिटिविटी के साथ और आत्मविश्वास निर्माण करने की आवश्यकता थी, वो कोशिश हम कर रहे हैं और बड़े प्रमाण पर लोग कुछ वापस आने की भी स्थिति में रोजगार शुरू हो रहा है, इंडस्ट्री भी शुरू हो रही है और धीरे धीरे उन नियमों का पालन करके हम काफ़ी बातों को रेगुलराइज करेंगे तो निश्चित रूप से उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।